लोकांना तिकडे तुम्ही बसवलं ना, त्यांची सफाईची काळजी पण करायला पाहिजे. कोण करणार आहे? केलेलं आहे, पण आता पण तुम्ही जाऊन बघितलं जर इथे घाण कचरा किती पडलेला तुम्ही बघून घ्या. महीने के अंदर मैंने तीन लेटर आयुक्तों को इनको दिया हूँ. जब आईसीडीपी की स्कूल करीब करीब 12 साल पूरे हो गए. मेरे अंदर की खत्म होते होते आखिरी साल के अंदर उसका संगे बुनियाद यानी भूमि पूजन रखा गया था, और उसको आज 12 साल करीब करीब पूरे होने आ रहे हैं. लेकिन कारपोरेशन के अधिकारी जो है, आईसीडीपी की जवाबदारी सिटी इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर और इंजीनियर, और जिनको आईसीडीपी की जवाबदारी दी गई है, उसके अंदर आयुक्तों और सभी प्रभाग अधिकारी शामिल हैं. लेकिन इन लोगों ने कभी उसके अंदर गवर्नमेंट ने कोई शहर को इतना बड़ा फंड देती नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने 500 एकड़ जमीन इस मालेगांव कारपोरेशन को क्षेत्रीय महामंडल की मुफ्त में यानी के बिना मूल्य फ्री में दिए, और उसके बाद 500 करोड़ का फंड इसको पिलासराव गवर्नमेंट ने मंजूर किया था. उसके अंदर केंद्र का, महाराष्ट्र सरकार का और कारपोरेशन का हिस्सा था. आज यहाँ पे 11,500 घर कुल जो मालदा तिवार के अंदर है, 4,500 घर कुल जो है वो साइना तिवार में है, जिनके आगे काम चल रहे हैं. लेकिन जो घर कुल बन चुके हैं, जो बिल्डिंगें तैयार है, तैयार होने के बाद में वहाँ लोगों को बसाया नहीं जा रहा. ये जवाबदारी पहले तो ये स्कीम ऐसी थी कि जो जो एरिया की बस्ती, जो रास्तों के ऊपर जो लोग बसे हुए हैं, खासतौर से जो शहर के रास्ते ब्लॉक हैं, वो तमाम रास्तों को पहले खाली करना, वहाँ के रहवासियों को वहाँ बसाना, और गवर्नमेंट की स्कीम के तहत 23,400 रुपये उनको भरना है. लेकिन इनकी आईडीपन के वजह से, कामचोरपन के वजह से अधिकारियों की, वो स्कीम हमारी मुझे लगता है कि फेल होने जा रही है. जबकि वहाँ पूरी सहूलत है, वहाँ पे चौथे माले के ऊपर बिगर मोटर का पानी आता है, अटैच टॉयलेट बाथरूम किचन बेडरूम हॉल सब है, लोग जाने तैयार भी हैं. और ये गरीबों के लिए स्कीम बनाई गई थी, जो अतिक्रमण धारक या फिर भाड़ेकरी हो, इन्होंने हम लोगों ने बाकायदा कारपोरेशन में महासभा के अंदर भी ठहराव किया, बार बार कई लोगों ने किया, मैं था, मैंने भी किया, अभी के महापौर ने भी किया. हमने तो अभी के महापौर ने इस तरीके का ठहराव किए लोगों की डिमांड के ऊपर कि 23,400 लोग एक मुश्त नहीं भर सकते, एक साथ नहीं भर सकते. गरीब बस्ती के लोग क्योंकि लॉकडाउन से अभी वो बाहर आए, 8-9 महीने जो लॉकडाउन पे चले गए, बीमारी के चले गया, एक बड़ी आफत पूरी दुनिया भर और हिंदुस्तान भर और मालेगांव में मिली. इसलिए पावरलूम मजदूर होने के नाते उनको सहूलत दी गई. महासभा का ठहरा हुआ कि 23,400 के तीन टप्पे कर दिया जाए. पहला 5,000 रुपये इससे लेकर के इनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, और बाकी का जो बचा हुआ पैसा
दो टाइम में उनसे वसूल करना, इस तरीके तीन टाइम में पैसा वसूल करना है। हमने तो जितने भी लोग आज भी जो 15-20 जो अपने राहुल नगर में रह गए, मुजफ्फरनगर के अंदर रह गए, 42 में रह गए होंगे, मुकुनवाड़ी में रह गए होंगे, या फिर नाक्षाप में रह गए होंगे, ऐसे जितने इलाके हैं जो पहले पात्र थे और बाकी बहुत सारे लोगों को इन्होंने रिजेक्ट किया था, उनको भी हमने पात्र कर लिए। अब इनको देने में दिक्कत क्या आती है? ठहरा होने के लिए 3 महीना हो गया, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा है। मैंने 3 लेटर दिया, 3 लेटर देने के बाद भी इनका कोई मेरे को उत्तर, कोई जवाब नहीं आया कि 8 दिन में काम शुरू करेंगे, 4 दिन में करेंगे या 15 दिन में करेंगे। मेरा ये धरना आंदोलन अभी खाली धरना आंदोलन है। लेटर के अंदर मैंने लिखा हूँ अन्न छोड़ो उपोषण। अगर इन्होंने 2-4 दिन के अंदर काम नहीं शुरू किया तो आने वाले पीर से मैं यहाँ पे कॉरपोरेशन के गेट पे, जूने गेट पे, नए गेट पे मंडप बांध करके बाकायद यहाँ पे मैं खुद और मेरे साथी, चाहे कारपेंटर हो चाहे कार्यकर्ते हो, ये आंदोलन हम अन्न छोड़ो उपोषण करेंगे। फिर उसके लिए कैसी भी लड़ाई लड़ना पड़े, हम लोगों का नुकसान नहीं चाहते। गरीबों को सहूलत मिले इसके लिए वो स्कीम गवर्नमेंट ने दी थी। दूसरे शहर के लोग तरसते हैं, यहाँ शहर के लोगों के लिए एक अच्छा गवर्नमेंट ने जो स्कीम दी है, और वो स्कीम मैं समझता हूँ कि कॉरपोरेशन के अधिकारियों की वजह से फेल हो रही है। स्कीम का विषय शुरुआत का ऐसा था कि 23,400 लेने का विषय भी नहीं था। ये विषय ऐसा था कि जो भी लाभार्थी है शहर के अंदर, जो अतिक्रमण धारक है, उनका कॉरपोरेशन ने उनका खाता ओपन करना बैंकों में, और उनका खाते के अंदर ये स्कीम तैयार होने तक 23,400 रुपये इससे जमा करवा लेना और इनको वहाँ पे बसाना। लेकिन यहाँ के सिटी इंजीनियर, जो आर्किटेक्ट है, जो बाकी अधिकारी है, उनकी गलतियों की वजह से एक साथ यहाँ के शहर की आवाम को 23,400 रुपया एक साथ भरना पड़ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट की जो गाइडेंस थी, गवर्नमेंट का जो पत्र था, गवर्नमेंट का जो जीआर था कि लाभार्थी को उनका खाता खुलवा करके थोड़े थोड़े पैसे घरकुल बन जाने तक तुमने वसूल करना और फौरी तौर के ऊपर तमाम रास्ते इन्होंने खाली करना, ये जवाबदारी खाली कॉरपोरेशन की नहीं है, ये जवाबदारी पुलिस डिपार्टमेंट की भी है। कहीं कहीं कुछ ना कुछ वजह से पुलिस डिपार्टमेंट के पीछे के पुलिस डिपार्टमेंट थे, जो पीछे के अधिकारी थे पुलिस डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके अंदर बंदोबस्त नहीं देने के वजह से स्कीम रुकी है। और दोनों की जवाबदारी होती है, पुलिस डिपार्टमेंट की हो चाहे प्रांत कार्यालय की हो या कॉरपोरेशन के अधिकारियों की है, ये काम को इम्प्लीमेंट करना, इसके अंदर पूरी ताकत से लोगों को वहां बसाना। अब ऐसा है कि वहां बसा करके झोपड़ी थोड़ी बनाना है, बना बनाया मकान दिया जा रहा है ना, तो लोगों को भी वहां जाना चाहिए। कोई चीज कोई नहीं बसती, अगर बसती है तो सहूलत नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ तो पूरी सुविधा के साथ है। कुछ तकलीफें जरूर है, कुछ तकलीफें जरूर है, धीरे धीरे कोई अगर एक एरिया जब बसाया जाता है तो वहां दिक्कतें 25 साल तक रहती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सब सुविधा है, पानी से लेकर हर चीज, खाली दूरी का एक फासला है, उसके लिए रिक्शा वगैरह आती जाती है, अलग बात है। रास्ता खराब था, रास्ता बनाया गया, थोड़ा बहुत काम रह गया, वो भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। साथ साथ में हमने जो गाड़ियों का ठहराव किया था वहाँ बस से लाने जाने का इंतजाम, वो भी उसका भी आगे कार्रवाई चल रही, वो भी जल्दी से गाड़ियाँ वगैरह भी आ जाएगी। लेकिन लोगों को बसाने के अंदर कॉरपोरेशन के अधिकारी, आयुक्तों, उपायुक्तों, ये जितने अधिकारी है ये सक्षम नहीं है, इसके वजह से स्कीम फेल हो जाएगी। अगर इन लोगों ने 2-4 दिन के अंदर काम को अगर शुरू नहीं किया तो मैं तो धरना आंदोलन उपोषण तो करने वाला हूँ, लेकिन गवर्नमेंट में भी अधिकारियों के खिलाफ कंप्लेंट करूंगा। गवर्नमेंट पैसा अगर देती है तो जनता का पैसा रहता है, ये अधिकारियों के जेब से नहीं जाता है, इनको अपने जेब से पैसा भर के लोगों को बसाना नहीं रहता है, जबकि ये गरीब भाई का वो हक है। और एक अच्छा मॉडल है, अच्छी स्कीम है, लोगों को ले आकर के इनकी जवाबदारी वहां पे बसाना और वो रास्ते खुले करना,
ताकि जूने शहर को राहदारी के लिए आसानी पैदा हो। काम चोर अधिकारी को झूठे मारो सालों को, अफिसरों की हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अफिसरों की हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपके बीच रास्ते खुलना चाहिए, खुलना चाहिए। 9 तारीख से ये शुरू कर 9, 10, 11, 12 ये तो मैं यहाँ से शुरुआत हुई इसकी। HDP के मकान जहाँ से पूरे बन के तैयार हुए वहाँ से लेकर ये बात सुन रहा हूँ। पहला शुरुआत हुई थी, आपको उसके गवाह है और आपको उसके अंदर मेहनत करे थे आपने राहुल नगर की बराबर। उसके बाद में जाफर नगर, नाक्षाप, भुकुनवाड़ी। लेकिन हम कम से कम 2-3-4 साल से ये समझा रहे हैं, है ना, कि जो अधूरे जो लोग रह गए हैं, जो यहाँ पे रह गए, जिनको मान्यता नहीं दी गई थी, जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था, उनको हमने पात्र कर दिया। बार बार HDP की हम और आप लोग जो कमेटी की मीटिंग बार बार लेते हैं, हर वक्त में बैठते हो तो हर वक्त ये बात होती है कि बस लगे होने के बाद में 2-4 दिन के अंदर इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन बस बात गई, मीटिंग खत्म, बात खत्म, फिर तुम कौन हम कौन, कोई काम शुरू नहीं होता। अब इसकी क्या गारंटी है ना कि तुम 9 तारीख से काम शुरू कर देंगे, फिर कल दिक्कत आएगी आप लोगों को, उन्होंने तो पैसे ही नहीं भरा है ना। फिर हमको पहले इंटीमेशन देना पड़ेगा, उनको फिर बोलना पड़ेगा कि आप लोग पैसा भरो, फिर जब वो पैसा भर देंगे फिर वो ड्राव खुलेगा और फिर उसके बाद हम उनको शिफ्ट करेंगे, ये वहाँ वो ये बात आ जाएगी। प्रोसीजर करना पड़ेगा, नहीं ना गई ना बात, तो क्या बोले प्रोसीजर करना पड़ेगा 9 से पहले वो छुट्टी छुट्टी के अंदर भी आप ऐसे अधिकारी और बहुत सारे अधिकारी बच्चा साहब जैसी भी है, सभी काम क्योर नहीं है, है ना, काम क्योर अधिकारी भी है। लेकिन आप लोग छुट्टी के दिनों में भी हमने देखे लॉकडाउन के अंदर तुम लोगों ने छुट्टियों के दिन में भी काम करे, लॉकडाउन में पूरा पूरा काम करे। मुझे उम्मीद है कि तुम छुट्टी ना मनाते हुए शनिवार रविवार को भी काम करो और लोगों को आज की तारीख में वो लोगों को पैसा भरने का इंटीमेशन दो, जो लोग जिनको पात्र कर दिया गया, क्योंकि राहुल नगर के भी रस्ते काम शुरू करना वो वर्क ऑर्डर में होते हैं हमारे में तुम्हारे को, है ना। ऐसे ही जाफर नगर के भी रस्ते काम शुरू करना है, मुकुनवाड़ी के अंदर बस्ती बसेरी रह गई इसीलिए वो आधा रोड बना हार्ड मिक्स रोड, तो उधर से एक सीमेंट रोड बना, एक हार्ड मिक्स रोड बना। लेकिन हुआ क्या कि तुम्हारे लोगों की कार्रवाई नहीं करने की वजह से वो लोग वहीं रह गए, है ना, लोग वहाँ भी रह रहे और यहाँ भी रह रहे, वहाँ भाड़े से दे दिए, यहाँ आके रह रहे, तो ये कैसे चलेगा। ठीक है, हमने तो ये भी करे कि भाई अगर भाड़े गरीबी है उसको भी दे दो, क्योंकि गवर्नमेंट ने गरीब इंसानों के लिए बने, गरीब लोगों के लिए वो स्कीम थी। लेकिन मुझे लगता है 12 साल वो स्कीम के पूरे हो गए, गलती हमारी नहीं है और जो लाभार्थी है उनकी भी गलती नहीं, तुम्हारे प्रशासन की गलती है। जहाँ से ये स्कीम शुरू हुई थी वहीं से उनका खाता, यानी लाभार्थियों का खाता ओपन करना था बैंक में, ताकि पैसे कब से भर देते थे। अब जब तुम लोग उनको इंटीमेशन देते, लेटर देते कि आप लोग पैसा भरो, ये भी 400 अचानक में लोगों के पास थोड़ी रहता, गरीब बस्ती है, गरीब लोग है, गरीब आवाम है। इसीलिए हमने ये डराव करा था कि 5,000 रुपये पहले डप्पल और बाकी का 2 डप्पे के अंदर पैसा लेना और 5,000 भर के वहाँ दे देना। लेकिन ये क्या बोलते हैं बच्चा साहब, एक दिन आके बोले कि साहब अगर 1 साल के बाद नहीं भरे तो, अभी नहीं भरे तो गरीब है दे देने का, ऐसी घुघट दे देने का, तुम्हारी गलती है ना, बच्चों की गलती है। बोलो ये शुरुआत से तुमको लाभार्थी का खाता अगर खोल देते तो ये बात क्यों आती, आज हम क्यों बार बार ऐसा डराव करते हैं, क्यों हम बोलते हैं कि 3 डब्बे में पैसा लो। अमीर शहर का, अमीरों का गांव थोड़ी है ये, गरीबों का गांव है, मजदूरों का गांव है। अगर ये नहीं करेगा तो वही मैं करने वाला, आखिरी में वही होगा साहब। देखो इतने लोग हाजिर है, मीडिया हाजिर है ना, उर्दू मराठी और ये चैनल वाले भी है बराबर, आप लोग भी है, सब हम गवाह है। 9 तारीख से आपका काम शुरू हो जाएगा।
साहब राइटिंग इंडिया के लोग को बसाएंगे, रास्ता खाली करके दे। एक मिनट यार, मेरी बात तो 9 तारीख से कभी काम शुरू हो तो मैं 10 तारीख को बैठिया हुआ है ना, और अन्न सोडून ऑपरेशन है ना, वो चलेगा। फिर नहीं हुआ दो चार दिन देखेंगे अन्न सोडून, क्योंकि चिकन मटन सब खाते रहेंगे हम, जब तक उसको खाने की बंदी नहीं रहेगी, अनाज छोड़ के रहेगा। फिर उसके बाद अगर काम नहीं हुआ तो फिर मैं डायरेक्ट अमर अन्न सोडून है ना, ये तुम्हारे लोग की जवाबदारी, मेरे को 9 तारीख से काम शुरू हुआ, 10 तारीख को मुझे तुम यही पाएंगे है ना। महोदय पुढील विषयांमुळे आयच्या दिल्ली घरकुल योजनेअंतर्गत राहुल नगर, जाफर नगर, पाट चॅनल व मुकुंदवाडी येथील झोपडपट्टी धारकांना घरकुल योजनेचा लाभ घरकुल योजनेचा लाभ देणे कामी तात्काळ कारवाई करण्यासंबंधी संदर्भी निवेदनात नमूद केलेले आहे, त्यावर माननीय आयुक्त महोदयांशी उक्त संदर्भ क्रमांक 2 चर्चा करण्यात आलेली आहे, त्यानुसार आपणास सविनय आश्वासित करण्यात येते की महानगरपालिका स्तरावर संबंधित विविध विभाग व पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने दिनांक 9/2/2021 पासून राहुल नगर, जाफर नगर, पाट कॅनल व मुकुंदवाडी येथील अतिक्रमण धारकांचे अतिक्रमण काढून रस्ते मोकळे करण्याची कारवाई सुरू करण्यात येईल, तसेच आवश्यक शुल्क भरणारे पात्र लाभार्थींना महादे येथील घरकुल योजनेत स्थलांतरित करण्याची देखील कार्यवाही सुरू करण्यात येईल। तरी आपण आपले आंदोलन मागे 9 तारीख माझा अन्न सोडून उपोषण राहणार, 4-3 दिवस बघणार, त्याच्यानंतर तो मरण उपोषण राहणार, ही जबाबदारी तुमची राहणार सर्वांची।